अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, निज़ाम टीवी में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी हॉस्ट राबिया अफजल जी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। तफसीलात जानते यासिर मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। जी, सऊदी अरब में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद का कहना था कि ईद मिलन पार्टी का मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करना है, ताकि कोरोना वायरस की वजह से सब 4 माह से एक दूसरे से दूर थे, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, देखकर बहुत खुशी हुई और अल्लाह ताला से दुआ है कि ईद के इस मौके पर हम सबको वबाई मराज से बचाए और इसी तरह सबको हंसता मुस्कुराता रखे, और सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ईद मिलन पार्टी में सऊदी अरब के मरूफ हर दिल अजीज़ कंपेयर और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र नाफे हुसैन ने अपनी कंपेयरिंग से सबको खूब महसूस किया और गानों, डांस, रसाकशी, जोर आजमाई, स्विमिंग और वॉलीबॉल जैसे मुकाबले करवाए गए और सब ने खूब लुत्फ उठाया। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। इस दफा हुकूमत पाकिस्तान बाजी ले जाएगी, पीटीआई की गवर्नमेंट हो गया। थोड़ा सा रह गया था। चले देख लेते हैं। डन। सहाफियों, ये तो टक्कर चल रही है हुकूमत और सियासत की और ये मीडिया वालों की, और बीच में PMLN भी अपना किरदार। सऊदी अरब पर रियाज भत्ता नज केरला मार्केट सफा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश पेश। हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 2766556। बेहतरीन मेडिसिन का मरकज।